स्टोरी है, थोड़ी प्राइवेट रखना चाहती हूँ. इट्स अ न्यू बिगनिंग. आई जस्ट वांट यू ऑल टू गिव मी योर विशेस. थैंक यू. बीतता है दिन उनके मतलब बेबी आती है तो बहुत जिम्मेदारी भी आती है. मल्टीटास्किंग बहुत है. बट ये लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू. New boy in town. He's dancing. He's dancing. But go and follow Sameer Soni sir. Like he's dancing. Yeah. Show launch ho chuka hai. Aapke kirdaar ke bare mein thoda sa hamari audience ko batayega. Show launch ho chuka hai. Rahat. Yeah, yeah. मैं ये बताना चाहूँगा कि आई होप आप लोगों को ट्रेलर पसंद आया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एकता मैम एंड द एंटायर टीम ऑफ पंचवीत जिन्होंने एक्चुअली हमें मौका दिया. एंड कैरेक्टर के बारे में, राहत मैं प्ले कर रहा हूँ कैरेक्टर, तो आप जब शो देखेंगे तो राहत के विजन से पूरा शो देखने वाले हैं कि बहुत इंटेंस है, बहुत पेन है. वो आप ट्रेलर में देख ही चुके होंगे अभी तक. सो इट्स गोना बी व्हाट अ स्टार गाइस. व्हाट अ स्टार. दैट्स लारा काजोल. व्हाट अ स्टार. इफ आई टॉक अबाउट राहत, it's gonna be crazy. The most good looking boxer you have ever seen in the history of boxing. She's dancing. And I'm comparing with Hollywood. Never back down. He is way better than anybody. अच्छा बोलने तो दो. मतलब इससे better actor नहीं है industry में. This guy is killing it. Boxing क्या dancing देख लो इसकी, इतना मेहनती है. इसके अलावा किसी ने acting ही नहीं की है show में. क्या खेले हैं आपने. I love it. I'm very proud of you. बता दिया उसने. ऐसा live आपकी तारीफ होती तो क्या feeling होती होगी. अरे सेल्फी चाहिए यार इसके साथ. Blessed. I feel blessed in house. It's a great feeling. And boxing and dancing के अगर मैं बात करूँ तो सबसे नहीं जो आपने काम किया है. Yeah, dancing तो मैं पैदा ही हुआ था तभी समझ गया मुझे dancing करना. तो nothing compares to that. ये तो मैंने character के लिए किया था. So but yes, it's good fun. Boxing also. Okay. Yeah. ये तो आपने guys. ये रही आ गई. आजा सिंधु आ. Coming. बहुत एक्साइटेड. देयर इज जस्ट सो मच हैपनिंग. देयर इज बॉक्सिंग, देयर इज डांसिंग, देयर इज क्रेजीनेस, देयर इज एंड वी ऑल यंग पीपल हैव सो मच एनर्जी. सो इतना गुड लुकिंग शो है ये. मतलब आपको इमेजिन, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है इतना गुड लुकिंग. मतलब प्रियांक तो था ही बट शो गुड लुकिंग हो गया गाइस. और हम लोग कितने गुड लुकिंग है यार. अनुपम बंसल, सुइया, इन सबकी मेहनत है ये. हमारा डायरेक्टर, हमारा डीओपी, दे हैव नेल्ड इट. विकास का विजन, वी ऑल आर लुकिंग सो प्रिटी. इस बंदी ने तो ब्रेसेस पहने कैरेक्टर के लिए हटा दिए. बट हम लोग वी हैव गॉन ऑल आउट. वी गॉन, वी हैव डन एवरीथिंग दैट वी कुड इन आवर ओन वे टू लाइक मेक द शो लुक एंड वी हैव गिवन अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि ये 2 साल की मेहनत है हम सबकी, तो ऑब्वियसली वी हैड टू गिव इन. हम बाल नहीं कटा सकते. कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, बॉडी वेट मेंटेन करना है, ये वो दुनिया भर की चीजें. सोना भी है सो वी डोंट लुक ब्लोटेड. दिवाली एंड ऑल वी वर शूटिंग, सो वी हैव डन ऑल दैट. सो आई थिंक इट्स बीन वन ऑफ दोस लॉन्ग जर्नीज जो एक मूवी के लिए आप एक्सपीरियंस करोगे, वो हमने पंचपीठ पे कर लिया है. टुडे वी फील लाइक कि जो भी हम लोग ने इतना एफर्ट डाला है, द रिजल्ट इज राइट देयर. सो वी आर रियली हैप्पी. सिंधु, व्हाट डू यू वांट टू से सिंधु? दैट रियली गो दीदी. इट्स अ फर्स्ट शो. इट्स माय फर्स्ट शो गाइस. प्लीज वॉच पंचपीठ. बहुत मजा आएगा आप लोग को. ओके प्रियंका, बिग बॉस के बाद एक बताया कि हम पंचपीठ पहले ही करने वाले थे. जैसे मैं स्प्लिट्स फिला से आया था तो वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था. जब मैं स्प्लिट से बाहर आया था तो मैंने पंचबीट साइन किया था. लेकिन मैं बिग बॉस चला गया, फिर बाद में पता चला कि विकास भी बिग बॉस जा रहा है. तो एक तो हमने कहा चलो मैं रुक ही जाती हूँ, फिर जब ये दोनों आ जाएंगे तब मैं पंचबीट बना लूंगी. सो यस, यू कैन से दैट. उसके बाद हमने और इसको कोशिश करी कि और बड़ा बना सके. फाइटिंग के बहुत सारे सीन्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. फाइटिंग के आपको बहुत सारे सीन्स मिलेंगे शो में. एक सिर्फ बॉक्सिंग नहीं मिलेगी, एक एमएमए सीक्वेंस भी मिलेगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है. तो वो शो देखिए और आई होप आप सबको बहुत पसंद आए. बहुत मेहनत करी है. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. आज कुछ है, आज कोई डे है ना? सम डे, रोज डे बताओ. किसको दूंगा? टाइम ही नहीं है मेरे पास. मम्मा को दे दूंगा घर जाके. नहीं यार, नहीं, मुझे नहीं देना है किसी को. मुझे अब नहीं देना किसी को. रोज नहीं देना मुझे. नहीं देना मुझे. हाँ जी.
All the very best, Shilpa ji. All the very best. Like, woh jahan jati hai, she is doing very well, and I hope all the good luck and very good wishes with her. So, thank you so much, guys. Thank you. Super hit hua tha. Lekin jab ye meri family aaya, to sabne mujhse pucha, arey aapka kehne ko hum safar bahut hit hua. Ye meri family ka aapko tension ho rahi hai? Tension nahi thi mujhe. And ye meri family also did equally well. Aur abhi kehne ko hum safar ka season 2 aa gaya. I'm very very excited because season 2 is always a good news for everybody, for viewers, for producers, for actors, for writers, because you're taking the story forward, and also the fact that aapki story ko appreciate kiya gaya hai. So I'm looking forward ki 14 February kab aayega aur kab release hoga. काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं इनबॉक्स में, मेल्स में, दैट व्हाई आरंट यू डूइंग टीवी, हम वेब शो नहीं देख पाते. आई डोंट नो, अभी तक लोगों को ज़्यादा आदत नहीं है इन स्मॉल टाउन्स की वेब शोज़ देखें. आई डू मिस बीइंग ऑन टीवी, बट वेब शोज़ की गंदी आदत लग गई है मुझे. 3 महीने काम करो और फिर छुट्टी. सो आई एम एंजॉयिंग इट. किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना प्रिपेयर करना पड़ा? एक मैरिड वुमन का किरदार निभाने वाली है आप इसमें, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि किस तरह का किरदार है. अनन्या जो है वो शुरू से इंडिपेंडेंट वुमन रही है, यू नो, एंड शी वॉज इन लव विद अ मैरिड मैन इन सीजन 1, और उसको हमेशा से एक वैलिडेशन चाहिए था अपनी शादी के लिए. तो सीजन 2 में, मतलब सीजन 1 के बिगनिंग में शादी हो गई. सीजन 2 इज़ ऑल अबाउट अनन्याज इंडिपेंडेंस, यू नो, एंड रोहित की ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनना, जो वो नहीं बन पाई, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई थी सीजन 1 में. सो सीजन 2 में यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ अ वुमन should never leave her job just because she is married. Anna? Bilkul. अभी तक मिली नहीं हूँ रवि से, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में थी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. तो अब मैं वापस आई हूँ. आई एम जस्ट डाइंग टू सी द बेबी. या एकता के, यू नो, चेहरे पे एक अलग ग्लो है. इट्स अ ब्यूटीफुल फेस दैट शी इज गोइंग थ्रू, एंड आई विश हर अ लॉट ऑफ लव. तो वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, आपका क्या प्लान है इस साल? शूट है उस दिन, नाइट शिफ्ट. आ जाओ. ओके, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? गुड. हाँ जी सर, बोलिए. पहली बार तो मैं मिस्टर समीर को होप लोगों को उतना ही पसंद आएगा जितना फर्स्ट सीजन पसंद आया है. एंड आई एम रियली होपिंग दैट दे विल लाइक माय कैरेक्टर, बिकॉज मेरे लिए बहुत कुछ नया है इस सीजन में करने के लिए, और किया भी है. तो आई एम श्योर, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द गुड फीडबैक. वेब सीरीज में भी कंपटीशन का बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, कितना डिफरेंट होगा? और क्या कहना चाहेंगे कि ऑल्ड बालाजी, बालाजी मतलब ब्रांड नेम, तो क्या कहना चाहेंगे? सर आप बड़े सारे सवाल पूछ गए एक साथ. क्या सवाल आप रिफरेंस? कॉम्पिटिशन है, देखिए कॉम्पिटिशन. हाँ चलो ठीक है. देखिए जहाँ तक कंपटीशन की बात है, अगर वो टेलीविजन हो या फिल्म हो या वेब सीरीज हो, कंपटीशन सब जगह होगा, और एंड में जो क्वालिटी होगी वही सरवाइव करेगी. एंड आई थिंक जो बालाजी और एकता का जो सेंसिबिलिटीज़ है, जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने फिल्में बनाई हैं इतने सालों से, इतने हिट सीरियल दिए हैं, तो वो कहीं तरह एक ऑडियंस की नफ्स को जानती हैं, पहचानती हैं. तो आई थिंक तभी आप देखेंगे जो दो शो हम प्रमोट कर रहे हैं आज, बिल्कुल ही अलग हैं. उनकी सोच अलग है, जनरेशन अलग है, and she knows what she's doing. So I think of all, matlab main obviously partial rahunga, maine do shows kiye aur ke sath, magar as a platform all it is doing extremely well. Aur usme agar aap platform, agar aap app ko download karenge, to just different type ke aapko shows dekhne ko milenge. I think there's something for everyone. So I think ekta is a trailblazer, and this is another one. And I think it's the only Hindi app which is doing so well, one of the first, and it's really doing well. Valentine Day ke mauke par aapko ka show bhi aa raha hai, देखिए वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल है. मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ खाने बाहर जाऊंगा, हमेशा जाते हैं, बेटी को छोड़ नहीं सकता, वो भी मेरी वैलेंटाइन है. सो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आई थिंक हमारी स्क्रीनिंग रखी गई है वैलेंटाइन डे के साथ. अब बेटी के साथ नहीं आ सकती है, वह नीलम और मैं ज़रूर जाएंगे. तो डबल, जैसा आपने बोला, डबल धमाका. तो एब्सोल्युटली करेक्ट, लव भी है और वर्क भी है, इंशाल्लाह दोनों में सक्सेसफुल रहेंगे हम. क्या तो हमारे
हमारे मेकर्स ने उस दिन हमारा स्क्रीनिंग रखी है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं जाते हैं डिनर खाने, तो डिनर खाने के बाद हम स्क्रीनिंग देखने आएंगे अपने वैलेंटाइन के साथ। और अच्छे शोज है, एक यंग जॉनरा का है, एक कॉलेज शो है, वेयर द फील इज़ नाइस, द पीपल आर द बेस्ट गुड लुकिंग पीपल यू कैन सी, और एक दूसरा शो है जो काफ़ी मेच्योर और सेंसिबल है, जिसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, काफ़ी प्यार है, ट्विस्ट है। सो आई एम रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच बोथ द शोज, कहने का हम सफर है टू एंड ऑल्सो पंच बीट। अच्छा जी, ये मेरा वेकअप लुक है, मैं अभी उठ के आया हूँ और आई जस्ट वॉश माई हेयर एंड आई कम, क्योंकि टाइम नहीं मिला, मुझे सुनने में आया कि मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं जल्दी भाग आया एंड यस दिस इज़ दी ओनली लुक आया। जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पॉन्स, और मैंने उम्मीद नहीं किया था कि अनुराग इतना पसंद आएगा लोगों को। काफ़ी जगह मुझे ये भी पता चला कि अनुराग इज़ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर, सो आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर लविंग मी एज अनुराग, एंड ट्रस्ट मी आई विल सरप्राइज यू, मैं और भी सरप्राइजेज है एज अनुराग, आगे भी जाकर जैसे स्टोरीज टर्न होंगे, ट्विस्ट आएंगे, सो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच। वैलेंटाइंस डे, यार वैलेंटाइंस डे बनाओ, खुशियाँ बनाओ, प्यार बांटो, और ना ही अपने द पीपल यू लव बट ऑल्सो विद द पीपल हु हैव लव्ड यू, आपका परिवार, आपके फैमिली वाले, आपके रिश्तेदार, उनके साथ वक्त बिताइए, आपके दोस्तों के साथ वक्त बिताइए और एंजॉय कीजिए, स्प्रेड लव। अरे ये शो बनाने का रीज़न बालाजी नहीं है, शो बनाने का रीज़न मुझे ये शो बनाना है, वो अच्छी बात है कि ये बालाजी के ऑल फॉर्म प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, बिकॉज पैसे अच्छे दिए उन्हें हम लोगों को बनाने के लिए, फिर भी हमने और एक्स्ट्रा खर्चा किया है और बहुत लिबर्टी मिलती है, और एक तरीके का जब आपका कोई विजन समझता है और आपके विजन को इम्प्रूव करता है और उसका मैं साथ देता है, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट्स आर ऑलवेज गुड, यू विल सी हाउ द शो इज़ लुकिंग एंड हाउ एवरीवन हैज़ डन ऑन द 14th of February। इसीलिए तो मैं आजकल वेब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बर्थडे ही क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेब सीरीज बहुत ग्रो कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये अलग बात कि बालाजी का नाम काफ़ी ज़्यादा है ब्रांड में, लेकिन फिर भी क्या यार अभी ना आई थिंक द होल वेब मार्केट इज़ इन अ वेरी नेसेंट स्टेज, अभी क्या कंपटीशन है, कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है, वो पता नहीं होता, वो तभी पता चलता है जब उसका नेक्स्ट सीजन आता है, तो इसलिए इट इज़ हेयर टू स्टे, इट इज़ हेयर टू ग्रो, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज़ द बजट्स, अभी कोई कुछ भी पे कर रहा है, अभी कोई कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, जब एक बार मार्केट सेट हो जाएगी, वैन यू विल हैव पैरामीटर्स ऑफ जजिंग इन टर्म्स ऑफ वॉट हैज़ वर्क वॉट इज़ नॉट वर्क, सो ऑब्वियसली चेंजेस विल हैपन देन। सी आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, इस शो पे ना प्रियांक को हमने इस शो के लिए आई थिंक रोडीज के बाद फाइनल कर लिया था, विच इज़ लाइक 2 years back, देन ही वेंट इन टू स्प्लिट्स, जब वो वहाँ से वापस आया तो बिग बॉस वॉज ऑफर्ड टू मी एंड आई वॉज गोइंग एंड देन दे ऑफर्ड बिग बॉस टू हिम ऑल्सो, सो दैट्स वेयर एकता वॉज मैंशनिंग इन द कॉन्फ्रेंस की एक काम करें हम 4 महीने आगे पुश कर, 4 महीने क्यों, मैंने कहा देखो वो क्या है ना द हीरो वन ऑफ द हीरोज इज हैज़ बीन ऑफर्ड बिग बॉस, लेट हिम गो टू बिग बॉस, वेन ही कम्स बैक वी विल डू इट, सो आई थिंक दैट्स इट्स बीन अ लॉन्ग लेट मी पुट इट ऑल्ट बालाजी द प्रोडक्शन हाउस हैज़ रियली कोऑपरेटेड फॉर हिम टू बी एबल टू ग्रो एंड गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड नाउ ही इज़ गोइंग बैक एंड शूटिंग विद अस, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेज टू बी ऑन द शो। मेरा सेट पे क्या है कि मैं अपने डायरेक्टर को उसका काम करने देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है, मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है, मैं लिखता अच्छा हूँ तो ये लिखा मैंने शो है, मेरे साथ मेरी टीम थी जिन्होंने काम किया है, जुबरान ने डायलॉग्स किए हैं। डायरेक्शन में क्या होता है, बिफोर यू गेट इन टू डायरेक्शन यू गिव नरेशंस, यू काइंड ऑफ सिट इन टू वर्कशॉप्स, मीता वशिष्ठ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइंड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग माई कंप्लीट न्यू कास्ट विद द बेसिक्स ऑफ एक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड सुयश वॉज डायरेक्टिंग दिस शो एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स थिंग्स हैव बीन अ रोलर कोस्टर राइड, लाइक इतने स्कैंडलस पंगे झगड़े क्या क्या नहीं हुआ इस शो के ऊपर, पर आई थिंक इट कम्स ऑल वर्थ इट जब आप देखते हो शो और आपको पता चलता है कि अरे अच्छा क्या।
कंग्रेचुलेशंस आई होप दैट आप बहुत अच्छा काम करें पब्लिक के लिए एंड कांग्रेस शुड बी वेरी हैप्पी विद यू शी इज़ अ वेरी केयरिंग ह्यूमन बींग अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो आपने देखा है तो आई एम होपिंग दैट शी विल केयर फॉर द पीपल एंड शी विल वर्क फॉर देम बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और आई थिंक वन ऑफ देम इज़ दैट शी इज़ अ वेरी केयरिंग ह्यूमन बीइंग सो आई थिंक दैट विल कम इन फोरफ्रंट एंड आई विल बी गुड